फिर मैंने 12th क्लास 12th क्लास बिहार बोर्ड 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए मैंने निबंध लेकर आए हैं बाबू, हिंदी का निबंध, जो कि वही क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन निबंध देंगे, 10 से 12 क्वेश्चन का निबंध देंगे, उससे बेसिक पूछने वाले नहीं है। आप सब निश्चित है कि इसका नोट्स तो मत बनाओ, ताकि आप इसको बार बार वीडियो को देखो, बार बार वीडियो को देखते देखते आप सबको याद होगा, और वहीं जाकर एग्जाम में छाप देना, ठीक है। वहीं क्वेश्चन मैंने लेकर आए हैं। इस प्रश्न को पढ़िएगा, यह प्रश्न क्या कर रहा है आप सबके सामने, ठीक है। देखिए, इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी हिंदी वायरल वीडियो, हिंदी का 10 वायरल वीडियो है, ठीक है। 10 क्या है? वायरल वीडियो है। देखिएगा दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए यहाँ कक्षा 12वीं हिंदी का 10 महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है। अभी 10 महत्वपूर्ण बताने वाले हैं, 2 और बताएंगे। अभी 2 छात्र रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है, वही क्वेश्चन को मैं फिर लेकर आएंगे, ठीक है। पिछले वर्ष में पूछा गया है, यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि पिछले वर्षों में पूछा गया है। यह निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 10 निबंध, इसलिए इस निबंध के एक बार शुरू से जरूर पढ़े, क्योंकि इसी 10 निबंध से आपके इंटर परीक्षा में निबंध पूछे जाएंगे। इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी 10 का वायरल वीडियो, ठीक है बाबू। हम बोले है ना, वही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन किया हो या पूछा भी हो, ठीक है। बोले बात को समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है, ठीक है। 12th क्लास 12th क्लास बिहार बोर्ड 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए मैंने निबंध लेकर आए हैं बाबू, हिंदी का निबंध, जो कि वही क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन निबंध देंगे, 10 से 12 क्वेश्चन का निबंध देंगे, उससे बेसिक पूछने वाले नहीं है। आप सब निश्चित है कि इसका नोट्स तो मत बनाओ, ताकि आप इसको बार बार वीडियो को देखो, बार बार वीडियो को देखते देखते आप सबको याद होगा, और वहीं जाकर एग्जाम में छाप देना, ठीक है। वहीं क्वेश्चन मैंने लेकर आए हैं। इस प्रश्न को पढ़िएगा, यह प्रश्न क्या कर रहा है आप सबके सामने, ठीक है। देखिए, इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी हिंदी वायरल वीडियो, हिंदी का 10 वायरल वीडियो है, ठीक है। 10 क्या है? वायरल वीडियो है। देखिएगा दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए यहाँ कक्षा 12वीं हिंदी का 10 महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है। अभी 10 महत्वपूर्ण बताने वाले हैं, 2 और बताएंगे। अभी 2 छात्र रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है, वही क्वेश्चन को मैं फिर लेकर आएंगे, ठीक है। पिछले वर्ष में पूछा गया है, यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि पिछले वर्षों में पूछा गया है। यह निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 10 निबंध, इसलिए इस निबंध के एक बार शुरू से जरूर पढ़े, क्योंकि इसी 10 निबंध से आपके इंटर परीक्षा में निबंध पूछे जाएंगे। इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी 10 का वायरल वीडियो, ठीक है बाबू। हम बोले है ना, वही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन किया हो या पूछा भी हो, ठीक है। बोले बात को समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है, ठीक है। 12th पहला क्वेश्चन है कि बसंत ऋतु, बसंत ऋतु पर निबंध कैसे लिखे। पहले तो बसंत ऋतु को पढ़ने से पहले समझिए कि बसंत ऋतु होता क्या है। क्या है भाई बसंत ऋतु? गर्मी, ठंडा, बरसात सब एक बराबर होता है, किसके लिए होता है? तो बसंत ऋतु के लिए होता है, ठीक है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अगर मान कर चलो कि नोट्स मत बनाओ भाई, समय नहीं है, तो हम सबका फरवरी में एग्जाम है, तो नोट्स बनाते बनाते रह जाओगे, तो एग्जाम में क्या लिखोगे, क्या समझोगे? जितना समय में तुम सब नोट्स बनाओगे, पहले बात को समझते रहो, जितना समय में नोट्स बनाओगे, उतना समय में 3 से 4 बार मेरा वीडियो देख लो। क्या बोला है मैंने कि 3 से 4 बार मेरा वीडियो देख लो, उसके बाद तुम्हारा ना नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना भूलोगे। तुम 3 से 4 बार अगर मेरा वीडियो को पढ़ लेते हो, तो डायरेक्ट तुम्हारा याद हो जाएगा, और वहीं जाकर एग्जाम में छाप देना, ठीक है। क्या करना? वहीं जाकर एग्जाम में छाप देना, मैं इतना तक जरूर कहूँगा भाई। देखिए, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु क्या कर रहा है भाई? भारत अनेक ऋतुओं का देश है, भारत अनेक ऋतुओं का देश है। यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, बरसात, पतझड़, बसंत एवं हेमंत आदि 6 ऋतुओं का आगमन होता है।
गर्मी, सर्दी, दो बरसात, तीन पतझड़, चार वसंत, पांच हेमंत, छ, ये याद रखना है। अगर ये पूछ सकता है कि वसंत ऋतु में मान को चलो कि कितने अथवा हैं, ठीक है, कितने ऋतुओं का है, तो छः। कौन कौन? तो गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, वसंत, हेमंत, ठीक है। इनमें वसंत सबकी प्रिय ऋतु है, वसंत सबकी प्रिय ऋतु है, ठीक है, जिसके आगमन पर सभी प्राणी हर्ष और उल्लास से झूम उठते हैं, इसलिए वसंत को ऋतु राज कहा जाता है। इसलिए वसंत को क्या कहते हैं, तो ऋतु राज कहते हैं। पहले बात को समझते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में कह रहा है कि इस समय ऋतु अत्यंत सुहानी होती है, सर्दी का अंत, गर्मी का प्रारंभ हो रहा होता है, तो सर्दी से कोई ठिठुरता नहीं और गर्मी किसी का बदन नहीं जलाती, ठीक है। हर एक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने इच्छुक होता है, यह इस मिट्टी ऋतु की विशेषता है कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधे में नव जीवन का संचार होता है, ठीक है, और वृक्ष नए नए पत्तों से लद जाते हैं, फूलों का सौंदर्य तथा हरियाली की छटा मन को मुग्ध कर देती है, ठीक है। आमों के वृक्षों पर बौर आ जाता है, ठीक है, तथा कोयले भी मीठी कुकू करती है, ठीक है। इस सुगंधित वातावरण में शोर करने से बीमारी भी कोसों दूर भाग जाती है। ठंडी ठंडी बसंती पवन मनुष्य की आयु और बल में वृद्धि कर देता है। ठंडा ऐसा एक दिन है कि पूछो मत, ठंडा बहुत अच्छी दिन है भाई, ठंडे के लिए कहना नहीं है, ठंडा मेरे लिए बहुत अच्छा है और ठंडे के लिए भी कह रहा है, ठीक है। खेतों में कई फसल पकने लग जाती है और सरसों के खेत में पीले पीले फूल वसंत के आगमन में झूल कर हर्ष व्यक्त करते हैं, और इस सीटे सीटे सिर पर उठाए हुए ऐसे लगते हैं कि जैसे ऋतुराज का स्वागत कर रहे हो। सरोवर में कमल के फूल खिल कर पानी को इस तरह छिपा लेते हैं मानो मनुष्यों को संदेश दे रहे हो कि हमारी तरफ अपने मन को खिलाकर दुनिया के समस्त दुख कलशों के समेट लो। आकाश में पक्षी किलकारियों भरते ऋतुराज का अभिनंदन करते हैं। पूरी बात को समझ रहिएगा, वसंत पश्चिमी को ऋतुराज के स्वागत के लिए उत्सव होता है। इसी दिन लोग नाच गा कर खेल कूद कर तथा झूल कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। घर घर का बसंती हलवा, चावल और केसरी खीर बनती है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं तथा बच्चे पीले पतंग उड़ाते हैं। वसंत पंचमी के दिन धर्मवीर हकीकत राय को भी याद कर ले किया जाता है। हकीकत राय को आज के दिन क्या कर रहा है भाई, पूरी बात को समझिएगा। आज का दिन अपना धर्म न छोड़ने के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वीर बालक की याद में स्थान स्थान पर मेले लगते हैं, क्या होते हैं, मेले लगते हैं तथा उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हमें इस ऋतु में अपना स्वास्थ्य बनाना चाहिए, प्रातः उठकर बाहर घूमने जाएं, ठंडी ठंडी वायु में हमें और प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण करें। वसंत ऋतु एक ईश्वरीय वरदान है और हमें इस वरदान का पूरा लाभ उठाना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए हमें, प्रॉफिट लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। तो वसंत ऋतु के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे मेरा वीडियो से तो आप सब 100% है कि 7 नंबर चाहे 10 नंबर चाहे 5 नंबर जितना का पूछेगा आप सब उतना बना लोगे, ठीक है, इतना तक निश्चित रहना है। देखिए इसमें मैंने एक, आप सब डिमोटिवेट हो जाते हो एग्जाम की टेंशन में लेकर, तो मैंने आप सबको मोटिवेट होने के लिए एक लाया है मोटिवेशन। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मंजी मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती, पहले बात को समझना, मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब इसका ये भाई, बोले बात को समझिएगा, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। कहने का मतलब है कि हर बच्चा एक बुद्धि नहीं है, हर बच्चा एक लायक नहीं है। आए मान कर चलिए एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, एक बच्चा बहुत कमज़ोर है, तो उसी प्रकार है कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जब जंगल में नहीं दौड़ सकती, मान कर चलो कि एक बच्चा पूरा कंप्लीट तैयारी कर लिया है और एक बच्चा अभी अधूरा में बाकी है, उसी पर कह रहा है और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। इसलिए बिहार बोर्ड सभी को एग्ज़ाम देने के लिए कहता है ताकि आप सब एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम में तुलना करो कि हम क्या हैं और क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट आ, उसी से बच्चों को अनुभव होता रहता है, ठीक है, उसी पर कह रहा है। अगर समझिएगा अच्छे से तब समझ में इसको आएगा, ठीक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और
अपनी कमजोरी होती है, ठीक है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती तो शेर पानी का राजा कैसे हो सकता है भाई, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए, ठीक है। अपने आप से किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इसको आप जानते हैं ना, ये पानी का राजा कभी नहीं बन सकता। ये किसका राजा है, तो जंगल जंगल राजा है, ये किसका राजा है, तो जंगल राजा है, ठीक है। ये सब हाथी को भी नहीं छोड़ता है, पहले बात को समझते रहना, ठीक है। ये किसकी राजा है, ये जंगल, ये सोचेगा, ये मान कर चलो कि ये सोचेगा कि हम हर चीज़ का राजा बन जाए तो ये राजा नहीं बन सकता, ठीक है। इसकी जो तुलना है उतना ही तक तुलना में इसकी रहेगा, ठीक है। अच्छा मान कर चलो एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पहले बात को समझते रहना भाई। जब एक मनुष्य जब हर काम को कर लेगा तो दूसरा मनुष्य जन्म पृथ्वी पर जन्म क्यों लेगा, जब एक मनुष्य हर काम करेगा तो, पहले बात को समझेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब ये शेर पानी का भी राजा बन जाएगा, जंगल का भी राजा बन जाएगा, तो दूसरा क्या करेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रकृति और भगवान ने बनाया है कि तुम जंगल का राजा बन सकते हो लेकिन पानी का राजा नहीं। पानी का राजा वही बनेगा जो मछली, जो पानी के नीचे रहता है, ठीक है। मछली, पहले बात को समझ, मछली अगर सोचे कि हम जंगल की राजा, उसके पानी से 4-5 मिनट बाहर ही निकालो, देखो बेचारी छटपटा कर मर जाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार से छटपटा कर मरती है ना, उसी प्रकार से तुम छटपटा कर अगर पढ़ाई करोगे ना, कि हमको इस एग्जाम में कम से कम मान कर चलो कि 80 से 90% एग्जाम निकलना है, तो उससे निकलेगा एग्जाम। इस पर भी मोटिवेशन वीडियो मैंने लेकर आया है, इसमें आगे देखिएगा, देखिए इसमें है ना। आप सबको पहले ये बता देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे, पहले बात को समझते रहिएगा। देखिए बाबू, बिहार में शराबबंदी कानून, आप सब तो देखते होंगे कि शराबबंदी, शराब बंद है, ठीक है। क्या है, शराब बंद है। शराब कितनी बंद है, तो 40% बंद है। हम खोल कर कह रहे हैं कि शराब कितनी बंद है बाबू, तो 40% बंद है, लेकिन 60% जो शराब है वो अभी चल रहा है, ठीक है। क्या ये गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि शराब 40% बंद है तो 60% चल रही है, ये मुझे बताओ। अगर गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि अगर जहाँ फैक्ट्री है इसका, जहाँ दारू बन रहा है, शराब ये शराब है, जहाँ दारू बन रहा है वहाँ उसका ही फैक्ट्री अगर बंद करा था तो बेचने वाले सुधर जाते, अपने आप से नहीं बेचते, ना बाहर से माल आता, ना बच्चा बेचते, ना आदमी बेचते, ना बेचते तो ना लोग पीते। तो सरकार की इसमें प्रॉफिट हो रही है, इन GST तो आ रही है ना कम से कम। बिना सरकार के अगर प्रॉफिट नहीं होता तो इसको मान कर चलो को सरकार है वो जो चाहता तो वो शो कर लेता, लेकिन उसके बस की बात नहीं है। जब लागू करना था तो उसके बस की बात था कि हाँ लागू हो जाओ, जो बंद करना है तो बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बारे में हम बाद में समझेंगे, लेकिन जो काम है उसके बारे में समझते हैं, लेकिन आप सबको थोड़ा मोड़ा समझा देते हैं कि आप सबको आगे आने में काम आएगा, ठीक है। देखिए बाबू, बिहार में शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 से बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया शराबबंदी कानून निवासी कदम है बिहार। क्या है, तो बिहार है। सरकार का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यह फैसला अत्यंत प्रशंसनीय है। तो मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय के प्रदेश की महिला, वृद्ध, बच्चे सुरक्षित एवं सभ्य लोगों को निष्खोर से बड़ी राहत प्राप्त होती है। नशा व्यक्ति को अपराध एवं दमनी यौन इच्छाओं के लिए प्रेरित करता है। शराब के लत से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो रहा था और बर्बाद होता था, और बर्बाद हो रहा है और बर्बाद होगा, ठीक है। टू स्पॉल, ठीक है बाबू, पहले बात को समझना, बर्बाद, ठीक है। ये बर्बाद ये अपने आप में नहीं हो रहा है, जो दारू बेचता है वो बर्बाद नहीं, वो तो खुद बर्बाद हो ही गया है, लेकिन असली इसमें बर्बाद कौन होता है, आप सब बताओ, कोई बताओ मुझे कि असली बर्बाद इसमें कौन होता है। असली बर्बाद बच्चा होता है, जो बच्चा है ना, उसका बच्चा होता है और उसकी बेबी होती है, समझिए। असली बर्बाद उसको क्या, वो तो पिएगा जय मन तहन लौट जाएगा, ठीक है। बर्बाद वही सब होते हैं। देखना अगला प्रश्न देखिएगा, शराबबंदी एक साहसिक कदम है। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है, यहाँ पर लागू कर लीजिएगा बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग करने में, ठीक है। यहाँ पर लागू हुआ है तब से निश्चय ही सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा, यौन अपराध, सामाजिक हिंसा, जातीय तनाव, सांप्रदायिक ढंग से काम हुए। बिहार सरकार का शराबबंदी को जिस कठोरता से लागू किया गया वो अत्यंत सराहनीय है। शराब सेवन नेता, मंत्री, पदाधिकारी, पुलिस इत्यादि सभी वर्ग के लोग करते थे।
मदिरापान करने वाले का तर्क ही शराबबंदी व्यक्ति को खाने पीने के मूल अधिकार का हनन है। शराबबंदी कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को झूठे कदम में फंसाया जा सकता है। शराबबंदी में सरकारी राजस्व की बड़ी हानि है। शराब के साथ ताड़ी का प्रतिबंध उचित नहीं है। ताड़ी भी बहुत लोग पीते हैं, समझ में आ रहा है ना, ताड़ी क्या है, बहुत से प्रकार की निकल गई है समझ में। ताड़ी गाँव के श्रमजीवी वर्ग का पेय पदार्थ है। पान मसाला खैनी तंबाकू इत्यादि नशा सामग्री का प्रतिबंध नशाखोरों से असहाय हो रहा है। नशाखोर को शराबबंदी असहाय लोगों को ही लगेगा ही, लेकिन यह उनके लिए कड़वी दवा की राह है जो उनके कुछकारों को प्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए जरूरी। शराबबंदियों के सबसे अधिक आहत दलित वर्ग के लोग रहे हैं, लेकिन इससे सबसे अधिक लाभ इन्हें ही होगा। ठीक है, अब आप सबका मोटिवेशन वीडियो आ रहा है, हटाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, शराबबंदियों में सरकार राजस्व का घाटा हो तो हुआ है, सरकार को घाटा तो हुआ है, लेकिन इससे पारिवारिक अवय रुका है। गरीब लोग जिस पैसे को शराब में उड़ा जाते हैं, उन्होंने अब बच्चों को वस्त्र आहार एवं शिक्षा पर खर्च करेंगे। नशाबंदी से लोगों ने नया सरकार का जन्म लेगा, लोगों में विवेक सुविचार जन्म लेगा, सामाजिक सद्भाव का एक नया वातावरण तैयार होगा। ठीक है, सुसभ्य और सुसंस्कृत बिहार का निर्माण होगा। इस्लाम में शराब हराम है, हिंदू धर्म अस्त्रों में भी मद्यपान वर्जित और प्रतिबंधित है, बौद्ध और जैन धर्म में हिंसा और नशा पूर्णतः वर्जित है। ठीक है, जब हर चीज़ की पूर्णता और नशा वर्जित है तो फिर शराब क्यों चालू हो रहा है, पहले बात को समझिएगा। ठीक है, फिर शराब क्यों चालू हो रहा है, पूर्व का राज्य सरकार एवं शराब व्यवसायियों ने अति से धन कमाने के लालच में शराब उत्पादन और बिक्री को उपयोग व्यापक उद्योग बना दिया था। भारत के अन्य राज्यों में भी शराबबंदी की आवश्यकता है। भारत नशा मुक्त देश बने तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राइट, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोले थे कि जो कंपनी है आथु है धन कमाने के लालच में शराब उत्पादन, देखिए यहाँ पर मैंने बताएंगे धन कमाने की लालच में शराब उत्पादन और बिक्री के व्यापक उद्योग बना लिया था। भारत का अन्य राज्यों में भी शराबबंदी की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सारा चुट्टा क्या इसमें कर रहा है, देखिएगा पहले बात को समझिएगा। अन्य राज्यों में भी शराबबंदी की आवश्यकता है, भारत नशा मुक्त देश बने तो वह बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। देख लिया ना बाबू, ये बिहार है, सुधारने वाला नहीं है, लेकिन सुधार हो गया सब। देखो मैंने कल वीडियो बनाया है उसके बारे में, छोड़ो, देखिए कल मैंने वीडियो बनाया है कि बिहार बोर्ड कक्षा बारह, ठीक है, क्या मैंने किया है, बिहार बोर्ड परीक्षा कक्षा बारह हिंदी मीडियम ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन मान के चलो अथु एक प्रैक्टिस सेट है, फाइनल परीक्षा में यही प्रश्न आएगा। ठीक है, मैंने ये वीडियो कल बना दिया था, यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिए हैं, अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर देख लो और पढ़ाई करो। ठीक है बाबू, यही मेरा मोटिवेशन वीडियो है, देखना, हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का कुछ नहीं है, अभी भी उन्हें करके दिखाना है। ठीक है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। ठीक है, आप सब तो ताना सुनते सुनते थक गए होंगे, सबसे ज़्यादा लड़की सब होती है ना, सबसे ज़्यादा बेचारी ताना बड़ी सुनती है, और लड़का भी कम ताना नहीं सुनता है, इतना मान लेना। ठीक है, लड़का भी कम ताना नहीं सुनता है, लेकिन फिर भी लड़की भी ताना सुनती है बेचारी, और लड़की और लड़का। बाबू जिसने तुम सबको ये ताना मारा है ना, पहले एक बात जवाब मत देना, पर जवाब उन्हें मत देना ही, लेकिन ये कहना कि हर जब वो कहा है ना तो मन में कहना, बोले बात को समझो, हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। ठीक है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें करके दिखाना है, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना और ये करना भी है। ठीक है, जो कि इसमें एक क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन अपलोड किए हैं मैंने यूट्यूब पे, देखिए वही क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य और एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया था, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा जी।
इसकी राइट आंसर क्या होगा, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी होगा कि नगेंद्र जी, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। ठीक है, इसकी जो भी आंसर होगा आप सब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, कोरोना वायरस, वायरस पे हम बात करने वाले हैं, वायरस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का 10 वायरल निबंध। ठीक है, देखिएगा, कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस आया था ना उसी पर निबंध 100% है, पूछेगा COVID-19, COVID-19 पर ही प्रश्न आएगा, जो कि ये एक दो वर्षों से लगातार प्रश्न करते आ रहा है और इन साल भी करेगा। ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। कोरोना वायरस, जिसे WHO द्वारा COVID-19 भी कहा गया है, ठीक है, अत्यधिक सूक्ष्म परंतु बहुत ही भयंकर जानलेवा वायरस है। सर्वप्रथम इस वायरस का प्रकोप चीन के वुहान शहर में मध्य दिसंबर 2019 में देखने को मिला था। कब? दिसंबर 2019 में। इसके पश्चात पूरी दुनिया में इस वायरस के घातक परिणाम देखने को मिला। यह विषाणु वायरस संक्रमण फैलाने वाला होता है। यह मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर स्वभाव तंत्र से संबंधित रोगों जैसे गले में खराश, नाक बहना, जुखाम, खांसी, सांस लेने में समस्या, बुखार आदि को जन्म देता है। यह वायरल मनुष्य द्वारा मनुष्य को ही आसानी से चला जाता है तथा बड़ी मात्रा में लोगों को संक्रमित करता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति द्वारा छींकने, संक्रमित हाथों द्वारा किसी सतह या वस्तु को छूने, खांसते वक्त निकली सूक्ष्म बूंदों द्वारा फैलता है। अनेक देश पूर्ण प्रयासों द्वारा कोरोना वायरस की बात पर है। वर्तमान में इस वायरस से बचाव ही इसका इलाज है। पहले बात को समझिएगा। और ये लास्ट प्रश्न है कोरोना वायरस पर। अतः पूरा विश्व आज COVID-19 जैसे भयंकर विश्व वैश्विक महामारी है, परंतु हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए। इसमें ना डट दूर 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 दर मटन या बरतनी चाहिए व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ठीक है, दहशकार हम सुरक्षित रहेंगे तथा इस भयंकर महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए सफल रहेंगे। इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सबके लिए अगर कहिएगा कि इस पर ज़्यादा और क्वेश्चन लेकर आइए, तो आप सबको हम कम से कम 500 से 1000 वर्ड मैं लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, कितना मैंने कहा है कि 500 से 1000 वर्ड। ठीक है, लेकिन 12th क्लास और 10th क्लास में ये प्रश्न आएगा। ठीक है, 10th क्लास और 12th क्लास में ये प्रश्न आएगा हिंदी के निबंध में। इतना ही इम्पोर्टेंट है। कितना है इम्पोर्टेंट? तो इतना ही, जितना मैंने पढ़ा दिया ना इम्पोर्टेंट, इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, और मैंने 3 को इसमें दिया है, और अगला भी वीडियो हम लेकर आएंगे। लेकिन कल वीडियो मैंने हिंदी का अपलोड किया है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, मॉडल पेपर का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का। आप सब उसको हल्के में मत लीजिएगा बाबू। ठीक है, एक बार और मोटिवेशन मैंने कहना चाहता हूँ मोटिवेशन के बारे में। देखिए, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। ठीक है, मछली जंगल की राजा नहीं बन सकती, तो शेर पानी का राजा कैसे बन सकता है? मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती था और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जिस प्रकार से कहने वाले हम हैं कि जो बच्चा 10th क्लास पार नहीं किया वो बच्चा 12th क्लास के एग्जाम कैसे देगा? ठीक है, पूरी बात को समझते रहना। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है कि मान कर चलो कि शेर पानी में तो राजा बनेगा नहीं, तो मछली जंगल की राजा नहीं बन सकती, उसी पर कह रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। और उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी मैंने लेकर आए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए कि हर कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है बाबू। जिसने कहा है तुम सबको ताना मारा है ना, तो कहना कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना तो तेरे द्वार पर मिठाई लेकर आएंगे तुम्हें खिलाने के लिए। जबरदस्ती खिलाएंगे नहीं खाएगा तब पर भी, लेकिन तुम्हारा लाज लगना चाहिए कि तुम किस प्रकार से ताना मारे हो। मारे हो तो मेरे पर, लेकिन किसी और पर ताना मत मारना। ठीक है, ये बात जरूर कहना बाबू। ठीक है, आप सबके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ और इतना कहेंगे भी। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, इतना प्रश्न हो गया, इतना ही तक मैं रहने देते हैं। लेकिन हाँ बाबू, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और कलर इसका ब्लैक ले लेने दो। ठीक है, और शेयर करना। ठीक है, क्या करना? शेयर करना, SHARE, शेयर। गुड, चलिए अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। चलिए इतना ही तक रहने देते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।